सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट पर्सन से। प्रॉफिट पर्सन जो होता है वो होता है प्रॉफिट जो हमें हुआ है बाय अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, परसेंट हम पढ़ के आते हैं, परसेंट का मतलब हमें पता है, पर हंड्रेड, जहाँ भी हम पर हंड्रेड की बात करते हैं वहाँ हम परसेंट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का भी वही मतलब है कि वो प्रॉफिट जो हमें 100 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस से हुआ है, यानी 100 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली लॉस परसेंट जो है वो होता है वो लॉस जो हमें हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज। सो जैसे ही साथ में परसेंट टर्म जुड़ जाती है हम 100 को इंक्लूड कर देते हैं। सो 100 रुपये की आइटम पे जो हमें लॉस हुआ है उससे हम बोलते हैं लॉस परसेंट। सो दोनों सिमिलर हैं अपनी अपनी टर्म्स के रिगार्डिंग में। सो अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कैसे करें, कैसे पता चलेगा हमें कि प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो उसके लिए हमें बेसिक फॉर्मूलाज पता है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो हम निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस जितना का हमने वो खरीदा मल्टीप्लाइड बाय 100, और साथ में यहाँ परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। तो ऐसे हम प्रॉफिट परसेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज का भी सेम फॉर्मूला है, बस प्रॉफिट की जगह उसमें लॉस को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, सो लॉस जितना लॉस हमें हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितने की हमें वो आइटम पड़ी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड अ परसेंटेज सिंबल। ठीक है, सो ऐसे हम लॉस परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये बेसिक थे हमारे दो फॉर्मूलाज परसेंटेज की टर्म्स में हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे देख सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा। सो इसे हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करें। दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमें फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस हमें जो गिवन है वो है 500 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है वो है 565 रुपीज। ठीक है, तो क्लियरली सेलिंग प्राइस जो है वो मोर देन है कॉस्ट प्राइस के, सो हेंस देयर इज अ गेन, यानी कि एक प्रॉफिट है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 565 माइनस 500 इज 65 रुपीज़ का जो है वो गेन हुआ। तो गेन परसेंटेज जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, साथ में परसेंटेज साइन, तो ये इज इक्वल्स टू हमारा गेन परसेंट, ये जो आ जाएगा 65 इन दिस इनटू 100, सो ये आ गया 13%। सो 13% जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस, हमें गिवन है 700 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 630 रुपीज। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा, यानी कॉस्ट ज्यादा पड़ी है और प्रॉफिट सेलिंग कम हुई है, इसीलिए यहाँ पर एक लॉस है। और लॉस कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय माई सब्ट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, दैट इज 700 माइनस 630 रुपीज इज इक्वल टू 70 रुपीज का जो है हमें वो लॉस हुआ है। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, लॉस यानी कि लॉस हमारा कितना 70 रुपीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 700 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंटेज साइन,
सो ये आ जाएगा 10, यानी 10% जो है उसे लॉस हुआ है अपनी टोटल कॉस्ट का, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है उसकी कम है, कम में बेच दिया है तो ऑब्वियसली लॉस होना है और 10% का उसे लॉस हुआ है। तो इस तरह सिंपली हम कॉस्ट गेन परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलास। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमें फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस हमें जो गिवन है वो है 500 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है वो है 565 रुपीज, ठीक है। तो क्लियरली सेलिंग प्राइस जो है वो मोर देन है कॉस्ट प्राइस के, सो हेंस देयर इज अ गेन, यानी कि एक प्रॉफिट है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 565 माइनस 500 इज 65 रुपीज़ का जो है वो गेन हुआ। तो गेन परसेंटेज जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, साथ में परसेंटेज साइन। तो ये इज इक्वल्स टू हमारा गेन परसेंटेज जो आ जाएगा 65 एंड दिस इनटू 100, सो ये आ गया 13%। सो 13% जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस, हमें गिवन है 700 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 630 रुपीज, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा, यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी और सेलिंग कम हुई है, इसीलिए यहाँ पर एक लॉस है। और लॉस कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय माय सब्ट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, दैट इज 700 माइनस 630 रुपीज़ इज इक्वल टू 70 रुपीज़ का जो है हमें वो लॉस हुआ है। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, लॉस यानी कि लॉस हमारा कितना 70 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 700 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंटेज साइन। सो ये आ जाएगा 10, यानी 10% जो है उसे लॉस हुआ है अपनी टोटल कॉस्ट का, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है उसकी कम है, कम में बेच दिया है तो ऑब्वियसली लॉस होना है और 10% का उसे लॉस हुआ है। तो इस तरह सिंपली हम कॉस्ट गेन परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलास। सो इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक फ्रूट सेलर है जो अल्फोंसो मैंगोज परचेज करता है 300 रुपीज में, ठीक है। सबसे पहले हम नोट करते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में उसने बाय किया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज क्या गिवन है हमें, वो है 300 रुपीज, ठीक है। अब किसी वजह से उसे वो सेल करने पड़ जाते हैं 255 रुपीज में, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब होने लग गए थे। सो सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है मैंगोस की 255 रुपीज। सो व्हाट वाज़ द लॉस परसेंटेज? तो पहली चीज़, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, सो क्लियरली ये एक लॉस है, लॉस का बिजनेस है ये। सो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये हमें अच्छे से आता है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस, जितना लॉस हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम पहले निकाल लेते हैं कि लॉस हमें हुआ कितना। सो लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, एक्सक्यूज मी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है लॉस, कितना हमें कॉस्ट पड़ा और कितने हमने बेचा। और अब लॉस हमारा कितना हो गया, वो हो गया है 45 रुपीज़ का, ठीक है। 300 में ख़रीदा था, 255 में बेच दिया, तो 45 रुपीज़ का जो है वो लॉस हो गया है। सो लॉस परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो ये फॉर्मूला है लॉस दैट इज 45 अपॉन में कॉस्ट प्राइस जो है हमारी 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 कट एंड दिस इज 15%।
सो 15% का जो है उसे लॉस हुआ है क्योंकि उसने 45 रुपीस कम में जो है अपने मैंगोज बेच दिए, ठीक है। तो ये लॉस परसेंटेज हमने फाइन कर सकती है बहुत ही आसानी से। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ग्रोसर जो है वो 10 अंडे खरीदता है 8 रुपए में और 8 अंडे बेचता है 10 रुपए में, ठीक है। तो हमें उसका गेन और लॉस परसेंट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, ठीक है। सो एलसीएम हमें दिख रहा है साफ साफ, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10 जो कि बारी बारी से एग्स यूज हुए हैं, 8 एंड 10 इज 40। सो लेट एज्यूम नंबर ऑफ एग्स इज 40, ठीक है, कि 40 अंडे टोटल हैं। सो सबसे पहले हम देखें कॉस्ट प्राइस, उसने बॉट 10 एग्स फॉर 8 रुपीस। सो एक एग कितने में आएगा, 1 एग की कॉस्ट हो गई 8/10 रुपीस, एंड 40 एग्स जो कि एक्चुअल एग्स थे, 40 एग्स की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई टोटल, 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये हम पहले ही सीख के आते हैं, दैट इज 32 रुपीस। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि सेल सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि सेल 8 एग्स नहीं सेल 10 एग्स क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें कि सेल 8 एग्स फॉर रुपीस 10, ठीक है। सेल 8 एग्स फॉर 10 रुपीस, सो 1 एग कितने में सेल कर रहा है उसने, 10/8 रुपीस, एंड 40 एग्स किस लिए सेल किया, 10/8 × 40, ठीक है, दैट इज 50 रुपीस। तो 32 रुपीस में खरीद के 40 अंडे उसने 50 रुपए में बेच दिए, तो क्लियरली जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, हेंस देयर इज अ गेन। और वो गेन भी कितना है, 50 - 32, डेट इज 18 रुपए का सीधा सीधा उसने जो है वो गेन कर लिया। सो गेन परसेंट अबे हम फाइंड करेंगे, लॉस नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं है। गेन परसेंट इज इक्वल टू, हमें पता है गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी है 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंटेज साइन। सो इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 1800/32, दैट इज 225/4। सो 225/4% जो है हमारा आंसर हमें मिल गया है कि इतना जो है उसे वो गेन हुआ। चाहे तो फर्दर इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पर कोई खास नीड नहीं है, इतना भी हम इसे छोड़ सकते हैं। सो 225/4% जो है उसे वो गेन हुआ है, गेन परसेंट हमारी हमें मिल गई। इसमें क्या बात नहीं है, सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कृष्णा मूर्ति ने एक डजन ऑरेंज जो है वो बाय किए 5 रुपीज, ठीक है, और उसे लॉस में बेचना पड़ा 4% के लॉस पे उन्हें सेल करना पड़ा। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है 1 ऑरेंज की। सो लेट स्टार्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, ठीक है, कितनी गिवन है हमें, 5 रुपीज, ठीक है, लॉस जो है वो है 4%, तो लॉस परसेंटेज जो हमें गिवन है वो है 4%, तो लॉस कितना हुआ हमारा, 4% ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में से 4% उसका घाटा हुआ, 4% ऑफ 5 रुपीज, दैट इज 4/100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 20/100, दैट इज 1/5 रुपीस का जो है उसे वो लॉस हुआ है। तो अब हम अगर सेलिंग प्राइस निकालें एक डजन की, हम डजन में ही चल रहे हैं अभी भी, सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है ये हो गया कहाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी जितने में हमें खरीदा और लॉस को हम माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी, कितने में हमने उसे बेचा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 5 रुपीज़,
लॉस है 1/5 रुपीज, दैट इज 5 - 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 24/5. तो 24/5 रुपीज का जो है वो सेलिंग करी है उसने अपने डजन ऑरेंजेस की. तो ये तो डजन की बात है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो है वो पूछा गया है कि एक वन ऑरेंज की जो हमें वो है वो सेलिंग प्राइस बतानी. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज ये 12 की है, तो 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे. डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं ना. सो 24/5 होल डिवाइडेड बाय 12. सो ये 12 जो है हम ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यह बन जाएगा 1/12. सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 रुपीज़. और वी कैन से अगर हम इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करें, 2/5 रुपीज़ तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/5, डेट इज़ 40 पैसा. ठीक है, 40 पैसा जो है वो सेलिंग प्राइस है एक ऑरेंज की. यही हमें फाइंड करनी थी, तो हमने एक ऑरेंज की निकाल ली है. हेंस द क्वेश्चन इज डन. सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आदमी है वो अपना स्कूटर सेल करता है 18,000 रुपीज के लिए, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस. सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. मान लो कि अगर लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 होती, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट है उसे हुआ है 20%, यानी प्रॉफिट हो गया 100 का 20% ऑफ 100, दैट इज 20 रुपीज. सो अगर कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है, तो प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जितना हमें खरीदा प्लस जितना हमें प्रॉफिट हुआ. सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 100 + 20 इज इक्वल्स टू 120 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज. अब बेसिक सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन हम 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे. कैसे? कि अगर हमने जो माना कि स्कूटर अगर 100 रुपये का होता, सो इफ सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज. सो इफ सेलिंग प्राइस is 1 rupee, then cost price is 100/120 rupees, and last statement jitna hame required hai, if selling price is 18,000 rupees. unitary method jaisa question nahi hai, ye bhi simple, ye bahut simple hai. then कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/120, जो 1 की प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 18,000 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 10 एंड दिस इज 5, 6, 3,000 एंड दैट इज 15,000 रुपीज. सो हमने 100 को लेके कितना सिंपली ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है. सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है 15,000 रुपीज, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 18,000 है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो द क्वेश्चन इज डन. आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सिंपल इंटरेस्ट. क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और बेसिकली होता ही क्या, इंटरेस्ट क्या होता है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे पहले जब कभी हमें कोई बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमें कोई घर खरीदना है, ठीक है, बाइंग अ हाउस, और कोई कार वगैरह के लिए हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल या बैंक से या किसी अदर एजेंसी से, ठीक है, हम क्या करते हैं, मनी बोरो कर लेते हैं, कहीं भी बाहर से हम के किसी और से पैसा उठा लेते हैं, ठीक है, वी बोरो मनी.
सो द पीपल और द बैंक, ये जो भी है जो हमें कोई भी जरिया, जैसे किसी भी इंडिविजुअल से ले सकते, किसी बैंक से, सो द वन हु प्रोवाइड्स प्रोवाइड मनी, और या फिर जिससे हम बोरो करते हैं मनी, सो फ्रॉम विच वी बोरो मनी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंडर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेंडर, जो मनी हमें प्रोवाइड करा, ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड थिंग इज द वन हु बोरोस, जो उधार लेता है, जैसे हम अगर बैंक से पैसा ले रहे हैं तो वी आर दी बोरोअर, उसे हम बोलते हैं बोरोअर, ठीक है, एंड द मनी, जो पैसा हमने लिया है, दैट इज द मनी बोरोअर, जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे हम बोलते हैं लोन, ठीक है, लोन बहुत नॉर्मल सी टर्म है, हम सब ने सुनी हुई है, सो जो पैसा हम लेते हैं उसे बोलते हैं लोन। तो लोन जो है वो छोटा बड़ा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर हमें मान लो स्कूटर खरीदना है तो हमें कम लोन लेना पड़ेगा, बजाय कि अगर हमें बड़ी कार खरीदनी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सो लोन कम ज़्यादा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो लोन लेते वक्त साथ में जो भी बोरोअर है वो प्रॉमिस करता है लेंडर को कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो लोन को जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, जैसे उसने वन ईयर के लिए कोई लोन लेता है तो उसे एक साल बाद वो लोन जो है वो वापस कर देगा। लेकिन यहाँ हमारी डेफिनेशन शुरू होती है इंटरेस्ट की। सो जब मनी जो है वो वापस करेगा तो जितना उसने लोन लिया वो तो अमाउंट उसे करनी ही पड़ेगी, ठीक है, अमाउंट जो बोरोड थी वो तो वापस करनी करेगी, रीपे करनी पड़ेगी, प्लस साथ में उसे कुछ एडिशनल मनी भी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो पैसे देने वाला है ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा हो, उसने तुम्हें पैसा दिया तो उसे भी कुछ प्रॉफिट होगा, तो एडिशनल तुम्हें कुछ उसे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प करी है। सो उस एडिशनल मनी को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, डिपेंड करता है इंटरेस्ट, डिफरेंट वैल्यूज है, कोई कितना चार्ज करे कोई कितना, लेकिन चार्ज ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना पैसा यूं ही किसी को नहीं देगा, उसे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, इसीलिए तुम इसे अगर एडिशनल जैसे 10,000 का तुमने लोन लिया है तो अगर तुम उसे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो तभी तो उसे प्रॉफिट होगा, सो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, जो भी एक्स्ट्रा मनी हम जो उसे पे करते हैं आफ्टर हैविंग लोन। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, और डेफिनेशन हम कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में कि क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल की डेफिनेशन है कि जो मनी हम लेंडर से एक बोरोअर बोरो करता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल या सम। लेंडर हमें पता है, लेंडर कौन होता है, देने वाला, ठीक है, दी गिवर, और बोरोअर होता है ले वाला, द वन हु बोरोस। सो द अमाउंट, बेसिकली द मनी जो कि हम जिसे हम लोन भी बोलते हैं, द मनी विच इज बोरोड, जो मनी उधार ली है बोरोड बाय अ बोरोअर फ्रॉम अ लेंडर, ठीक है, फ्रॉम अ लेंडर इज नोन एज प्रिंसिपल, और सम भी बोलते हैं इसे, ठीक है, या हम इसे लोन भी बोलते हैं, मैथ्स की टर्म्स में हम इसे प्रिंसिपल या सम ही बोलेंगे, वैसे हम इसे लोन भी बोल सकते हैं। सो प्रिंसिपल होता है जो भी पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, एक लेंडर से एक बोरोअर जो पैसा उधार लेता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे किसी से हमने 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, अपनी कार खरीदने के लिए, ठीक है, तो ये जो 10,000 की अमाउंट है ना इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। सो बेसिक चीज़ की डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं है, और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीख के आते हैं कि जब भी कोई
बोरोअर किसी लेंडर से मनी बोरो करता है, तो उसे जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो मनी उसे रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। और वो मनी के साथ साथ अमाउंट वो तो वो पे करेगा ही, जो अमाउंट उसने रेंट लेंड करी है वो तो वो पे करेगा, प्लस एडिशनली उसे कुछ एडिशनल मनी उसे पे करनी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस लेंडर ने जो है वो बोरोअर को अपना पैसा यूज़ करने दिया, क्योंकि उसने अपना पैसा उसे उधार दिया, उसके काम आया, तो उसे उसे कुछ एडिशनल मनी पे करनी पड़ती है ताकि लेंडर को भी तो कोई प्रॉफिट हो, अनलेस अंटिल कोई किसी को अपना पैसा क्यों देगा। सो वो जो एडिशनल मनी बोरोअर पे करता है लेंडर को, उस मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं हम ब्याज। सो जो एक्स्ट्रा मनी उसे पे करनी पड़ी उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि लेंडर ने उसे बोरोअर को अपना पैसा दिया यूज करने के लिए, तो किसी को हम यूं ही कोई फेवर तो करेगा नहीं, ठीक है। तो हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, तो थोड़ा प्रॉफिट उसे कमाना है, इसीलिए हमें उसे थोड़ा एडिशनल मनी पे करना पड़ता है जब हम लोन चुकाते हैं अपना, या जो अमाउंट हमने लेंड की थी वो हम वापस करते हैं, तो साथ में हम थोड़ा एडिशनल मनी भी पे करना पड़ता है। सो उसी एडिशनल मनी का नाम है इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियोज में हम और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमाउंट के बारे में, क्या होती है अमाउंट, क्या है इसकी डेफिनेशन। सो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल और लेंडर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बारे में। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमारा था द अमाउंट बोरोड, जितना भी पैसा हमने बोरो किया, ठीक है। एंड इंटरेस्ट होता है एडिशनल मनी हमने जो पे करी उस लेंडर को, ताकि उससे भी कुछ प्रॉफिट हो, और ऑब्वियसली उसने हमें अपना मनी यूज़ करने दिया है, तो एडिशनल मनी जो हमने पे करी एज उस लेंडर को, तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सो ये दो डेफिनेशंस हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं पीछे। अब अमाउंट, अमाउंट होता है टोटल मनी, यानी कि टोटल कितना हमने जो है वो लेंडर को पे किया आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल मनी जो एक बोरोअर पे करता है लेंडर को एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम। टोटल मनी यानी ये टोटल मनी क्या है? अमाउंट जो उसने बोरो करी थी, जितना पैसा उसने उसे लिया था, प्लस एडिशनली जो इसने पे किया, वो टोटल जो सम है, वो टोटल सम को जो है हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। सो ये टोटल सम को हम बोलते हैं अमाउंट, यानी एट द एंड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, द टोटल मनी पेड, इज कॉल्ड अमाउंट। सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। प्रिंसिपल जो पैसा हमने बोरो किया, इंटरेस्ट जो हमें एडिशनली पैसा देना पड़ा, और अमाउंट इन दोनों का सम, यानी टोटल हमें कितना देना पड़ा, कितना हमने लिया था और कितना इंटरेस्ट बना। सो ये बेसिक तीन डेफिनेशन इस चैप्टर में हमें यूज में आएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। So firstly, going by the definition, simple interest की डेफिनेशन है, if interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, it is called simple interest. यानी कि जब तक हमारा लोन चलेगा, यानी कि लोन पीरियड, जितना टाइम भी लोन हम अपने पास रखेंगे, ठीक है, थ्रू आउट दैट टाइम जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है, यानी कितने परसेंट जो है वो लेंडर बोरोअर को इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो फिक्स है, यानी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जैसे अगर शुरू में ही हमारी
लेंडर के साथ डील है कि 5% जो है उसने वो इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, 5% इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है, 5% इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल का लेगा जब हम उसे लोन जो है वो वापस करेंगे, तो साथ में हमें उसे एडिशनल 5% जितनी अमाउंट हमने लिया है उसका वापस करना पड़ेगा, तो इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पूरे पीरियड पे फिक्स है, यानी अगर एक ईयर लेट से कि ये लेट से इंटरेस्ट ऑन 100 रुपये पे मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर, ठीक है, एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगता है, मान लो ₹8 इंटरेस्ट जो है हमारा वो लग रहा है, ठीक है, तो 100 रुपये पे ₹8 लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन 1 रुपीज कितना होगा फॉर 1 ईयर, एक साल में 1 रुपये के लिए कितना लगेगा, ₹8/100, 1 की कॉस्ट हमें निकालनी आती है, ठीक है, सो अब अगर हम एक साल के लिए तो हमने 1 रुपये निकाल लिया, अगर वही हमें कुछ रैंडम साल के लिए चाहिए, यानी 2, 3, 4 कितने भी साल के लिए, मान लो टी साल के लिए चाहिए, ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है, 1 रुपीज फॉर टी ईयर्स चाहिए, यानी टाइम, टी यानी टाइम, कितने टाइम के लिए चाहिए, तो कितना होगा, 1 के लिए था ₹8/100, तो टी ईयर्स के लिए हो जाएगा ₹8/100 × t, ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन, अब 1 रुपया ना निकाल के हम अपने रिक्वायर्ड निकाले, यानी कि पी जितना प्रिंसिपल हमने बोरो किया है, तो ₹P से कितना इंटरेस्ट लगेगा अगर हम उसे टी ईयर्स के लिए बोरो करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर हम टी टाइम के लिए बोरो करते हैं तो कितना होगा, 1 रुपीज के लिए था ₹8/100 × t और ₹P के लिए होगा multiplied by P, जिसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं P×R×t/100, ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला तैयार हो गया है, या इसी में इसी की डेफिनेशन छुपी है कि प्री यानी कि इतना अमाउंट हमने बोरो किया इस इंटरेस्ट रेट पे और इतने टाइम के लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें आर जो है वो फिक्स है, ठीक है, आर यानी इंटरेस्ट वो कितना चार्ज कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि जो वो इंटरेस्ट जो पूरे लोन पीरियड पे सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, सो थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए सम ऑफ 4,000 रुपीज इज लेंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए एक लोन लिया गया है 4,000 रुपए का एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है कि एक साल का उसे कितना इंटरेस्ट इस अमाउंट के लिए देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम प्रीवियस वीडियो में ही फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो है P×R×t/100, पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी यानी टाइम, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है प्रिंसिपल जो है यानी पी जो हमारा है वो है 4,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है यानी कि आर इज इक्वल्स टू 15 एंड टाइम पीरियड जिसके लिए लोन गए टी जो है वो है 5, ठीक है, तो सिंपली हमें बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूला में, सो इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू पी यानी कि 4,000 × r यानी कि 15 × 5 यानी टाइम अपॉन में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 5 × 4 ये हो गए 200 × 15, डेट इज ये हो जाएगा 300 रुपीज़ हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, सो बहुत ही क्लियर है, सिंपल 4,000 रुपये थे, 5 साल के लिए थे 15% के इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला हमने यूज़ करके जो हम पढ़ के आते हैं प्रीवियसली, तो इंटरेस्ट हमारा आ गया है 300 रुपीज़, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व।
सो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 1200 रुपीस पे एट 6% पर एनम फॉर 146 डेज. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला है, हम पहले पढ़ के आते हैं, वो है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जहाँ पर पी जो है वो है प्रिंसिपल, यानी कितनी अमाउंट बोरो की है, आर है रेट एंड टाइम है, टी है टाइम. ठीक है. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रिंसिपल जो अमाउंट गिवन है वो है 1200, रेट जो हमें गिवन है वो है 6%. ठीक है. एंड टाइम जो है वो गिवन है 146 डेज. अब एक चीज़ जो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है कि जो ये टी जो हमारा यहाँ होता है ना, ये होता है ईयरली. ठीक है, ईयर्स में हम इसे काउंट करते हैं. ठीक है, लेकिन हमें जो टाइम गिवन है वो डेज में गिवन है. तो सबसे पहले हम इस टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 365. एक ईयर में 365 डेज होते हैं. सो ये जो हमारा टाइम है ये ईयर्स में आ गया. ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो इंटरेस्ट I इज इक्वल्स टू P, यानी कि 1200 मल्टीप्लाइड बाय R 6 एंड टाइम इज 146 बाय 365 डिवाइडेड बाय 100. तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 6, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. तो ये हमारे पास आएगा 144/5. ठीक है, जिसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.880. ठीक है, 28.80. सो ये हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट हमारी आ गई है. कितना एडिशनल मनी उसे पे करना पड़ेगा अलोंग विद द लोन, जो कि हमने सिंपल हमारे फॉर्मूला से जो हम पढ़ के आते हैं पहले पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकाला. हैंस द क्वेश्चन आंसर. सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 900 रुपीज इन 6 इयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट. दैट इज अमाउंट हमें गिवन है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है विल अमाउंट टू. सो अमाउंट हमें गिवन है 900 रुपीज, रेट हमें गिवन है 10% एंड टाइम हमें गिवन है 6 इयर्स. ठीक है, सब कुछ प्रॉपर यूनिट्स में है. सो लेट इंटरेस्ट इक्वल्स टू आई एंड प्रिंसिपल जो हमें फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं प्रिंसिपल भी पी रुपीज. ठीक है, पी हमने इसे लेट कर लिया. तो फॉर्मूला हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला है हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. सो इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा आई इज इक्वल्स टू पी वैसे का वैसा, आर हमारे पास है 10 एंड टी है 6 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पी बाय 10 और वी कैन से 3 पी बाय 5. ठीक है, इंटरेस्ट हमारा आ गया. अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट भी हम पढ़ के आते हैं. अमाउंट होता है, अमाउंट जो है वो है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, अब अमाउंट जो है हमें वो गिवन है क्वेश्चन में 900 रुपीस, प्रिंसिपल हमारा P है और इंटरेस्ट हमारा हमने अभी अभी फाउंड आउट किया है 3P/5, यहाँ से हम देख सकते हैं. ठीक है, सो ये आ गया 5P + 3P = 8P/5. सो 900 इज इक्वल्स टू 8P/5. तो इस 5 को हम इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 को डिवाइड में लाएंगे तो P हमारे पास आएगा 900 × 5/8. कोई डाउट? सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो 900 × 5/8 आ जाएगा 562.50.
कैलकुलेशन करने पे हमें ये आंसर मिलेगा, हमारा प्रिंसिपल जो हमें फाइंड करना था, गिवन डेट की अमाउंट 900 रुपीज़ है एट द रेट 10% फॉर 6 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन में ऋषि जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 20,000 रुपीज़ जो है वो जमा करता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल हमारा है 20,000। ऑन 28th मार्च 2000 एंड क्लोजेस हिज अकाउंट ऑन 21st अगस्त 2000। सो इफ द इंस्टीट्यूशन पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, दैट इज आर इज हमारा है 9%, व्हाट अमाउंट डज ऋषि गेट। सो हमें अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले टाइम जो है हमें वो डेज में गिवन है, तो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं डेज में बाय नंबर ऑफ डेज, जिसमें से हम जिस जो पैसा जमा कराने वाली डेट है जैसे 28 मार्च, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, और अकाउंट जिस दिन विड्रॉ किया है मनी उसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि उस दिन तक वो पे हुआ है, ठीक है। सो 3 डेज ऑफ मार्च, 28 मार्च को काउंट करें, ठीक है, 28 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो क्या बचे 29, 30 एंड 31st, 3 डेज हो गए मार्च के, प्लस 30 डेज अप्रैल के, प्लस 31 डेज मई के, प्लस 30 डेज जून के, प्लस 31 डेज जुलाई के, एंड इंक्लूडिंग द डे जिस दिन पैसा नहीं आया क्योंकि उस दिन तक थे तो वो भी काउंट होगा, सो 21st अगस्त, सो 21 डेज अगस्त के, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो हो गया 3 + 30 + 33 + 31 + 30, ये हो गया 146 डेज, ठीक है, 146 डेज। लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटरेस्ट का, उसमें टी जो है हम वो ईयर्स में लेके चलते हैं, सो डेज में है इसलिए सबसे पहले हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 146 / 365 जो कि एक ईयर के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 years, आई थिंक 2/5 years, ठीक है। सो टाइम हमारे पास है, प्रिंसिपल है, रेट है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट जो है वो फॉर्मूला हमें पता है, P × R × T/100। सो वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 20,000 × rate = 9, टाइम है हमारे पास 2/5 एंड डिवाइडेड बाय 100। सो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 से 20 कट, 720 रुपीज़ जो है वो आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारा। और हमें फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, और अमाउंट हमें पता है क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट थी, कितने मतलब लोन बोरो हुआ प्लस इंटरेस्ट कितना आया। सो अमाउंट प्रिंसिपल था 20,000 प्लस इंटरेस्ट है 720, सो ये हो गया 20,720 रुपीस जो ऋषि को मिले हैं आफ्टर विड्रॉल और क्लोजर ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स द क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि एडजस्टेंट एंगल्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, तो जैसे ये कोई एंगल है, ठीक है, तो और ये एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, तो इस तरह के जो एंगल होते हैं जो आप सीधे देख सकते हैं, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, इस एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन हो और कोई एक साइड कॉमन हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाली साइड है, ये एंगल ए और एंगल बी में कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे जो एंगल्स है उसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन की, तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, तो हम यहाँ पे लिख, तो आप डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन में यहाँ पे बोलूँगा एडजेसेंट एंगल्स की, तो डेफिनेशन बोलती है कि टू एंगल्स
Which chair? A common vertex. ठीक है? Common vertex and a side are called adjacent angles. ठीक है? Are called adjacent angles. तो आपको बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई दो एंगल है जिसका एक वर्टेक्स, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी का एक वर्टेक्स कॉमन है और एक साइड जिसकी कॉमन है, तो ऐसे जो दो एंगल्स है उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे. तो यहाँ पे ए और बी जो आपके एडजेसेंट एंगल्स है, और ये उसकी डेफिनेशन है, टू एंगल्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है. ठीक है, तो मैं सबसे आपको पहले बताता हूँ, उसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. तो जैसे कि ये कुछ इस तरह से कोई एक एंगल बनाता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो एंगल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. एक एंगल है मेरा ए और एक एंगल है बी. तो ये जो दो एंगल है वो बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स तो है ही है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक जो वर्टेक्स है वो कॉमन है. जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उनका एक वर्टेक्स कॉमन है और उनकी जो एक साइड है बेसिकली वो भी कॉमन है. ठीक है, तो जिसकी एक साइड और एक वर्टेक्स कॉमन होता है उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगा कि ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स. अब बात करते हैं लीनियर पेयर की. तो लीनियर पेयर कब कहेगा? जब ये जो लाइन है एंगल ए प्लस एंगल बी जब 180 होगा. ठीक है, एंगल ए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी 180 डिग्री होगा जब, तो तब हम कहेंगे कि ए एंड बी आर टेन ए एंड बी आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जब ए और बी का जो सम हो 180 डिग्री हो, यानी कि ये जो लाइन हो जो नॉन कॉमन आर्म है बेसिकली, आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे नॉन कॉमन आर्म. ठीक है, आर टू अपोजिट रेज. ठीक है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है बेसिकली, ये आर्म और ये आर्म, ये दोनों दो अपोजिट अगर रे है तो फिर उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे. फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं. यहाँ पर बेसिकली मैंने दो पेयर ऑफ लाइन ड्रॉज किए. ठीक है, मान ले लाइन L1 है और L2. ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन से आप देख सकते हो कि चार एंगल बनेंगे. यहाँ पे ये चार एंगल बन रहे. तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ए और बी, ये जो दो अपोजिट एंगल है जिसमें कोई भी आर्म या कोई भी साइड कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वैसे एंगल को, उस तरह के एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप इसमें ये नोटिस कर सकते हो, मेन बात है वो ये है कि नो आर्म कॉमन. ठीक है, और आप यहाँ पे जैसे मार्क कर लो, ये जो एंगल है वैसे जैसे मान लेते हैं कि ये सी है. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए एंड सी आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्यों? क्योंकि उनका जो ए काम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन है. ठीक है, ए और सी के बीच का, लेकिन ए और बी के बीच का कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो आर्म कॉमन. ठीक है, और डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं, टू एंगल्स फॉर्म बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैविंग नो कॉमन आर्म. ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे नो इम्पोर्टेंट है. नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे एंगल सेट अ पॉइंट. ठीक है, तो एंगल सेट अ पॉइंट क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एंगल सेट अ पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ.
जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही है, जैसे एक ये रे है, एक ये रे है आपकी, एक ये रे है, एक ये रे है, एक, ठीक है, एक ये रे है, जैसे, और इन रेज से जो एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं एंगल्स बन चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत सारे बना सकते हैं, ए है, जैसे बी है, ये एंगल सी है, जैसे मान लो एंगल डी है, ठीक है, ये एंगल ई है, तो हम मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी जितने भी एंगल्स बने वो एक ही पॉइंट्स ओरिजिन हो रहे हैं, उनका जो वर्टेक्स बेसिकली है वो कॉमन है, और बहुत सारे रेज एक पॉइंट से निकल रही है और उनसे मिलके जो एंगल्स बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे एंगल सेट ऑफ पॉइंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए बी सी डी एंड ई आर एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही है और उस रेज की मदद से जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हम एंगल्स एट अ पॉइंट बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूँ। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलती है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ रेज, ठीक है, हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन इनिशियल पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो मैं बोलूँगा इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेसिकली दो एंगल्स ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे अगर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री हो, ठीक है, ए और बी का जो सम है वो 90 डिग्री हो। तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मतलब कि कोई भी राइट एंगल में, अब इसमें एंगल की पोजीशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एंगल ए कहीं पे भी हो सकता है, एंगल बी कहीं पे भी हो सकता है, बस इसमें हम जो बात कर रहे हो एंगल्स के वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, हमें पता हो जाना ए कितना डिग्री है और बी कितना डिग्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ, अगर ए जो है और बी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मेजर एंगल ए जो आपका है वो 60 डिग्री है और बी 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक 40 है और एक 30 है तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि इनका जो सम हो रहा है वो 90 डिग्री नहीं हो रहा। और एक बात इम्पोर्टेंट जो होती है, बस इतनी सी बात है कि दोनों का सम जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, कि कॉम्प्लीमेंट एंड ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट है, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो आंसर आएगा एंगल कोई भी एक्स जिसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री, ओके, क्योंकि सम हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात करेंगे कि 90 में से उस एंगल को घटा देंगे, जो आंसर आएगा हमारा बेसिकली वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना सिंपल है, आपको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल भी, यानी कि जो दूसरा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो पूछ रहा है वो, तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट होती है, टर्म्स बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स, ठीक है, इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और उसके बाद जब आप मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, अगर किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जैसे कि है आपका 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 110 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, आप बोल सकते हो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब बात आती है एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड
अ सप्लीमेंट ऑफ अदर, ठीक है। तो दूसरा एंगल होता है वो पहले का सप्लीमेंट कहलाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, तो जो आंसर होगा वो होगा मेजर एंगल इज इक्वल टू, इसे कोई भी नाम बी दे देता हूँ, जिसकी वैल्यू जैसे होगी 50 डिग्री। कैसा है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो जो एंगल गिवन है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो आंसर होगा वो आपका सप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये टर्म है सप्लीमेंट, इसको आपको याद रखना है, टर्म ये है इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट ऑफ द अदर, जो एक एंगल होगा दूसरे का सप्लीमेंट कहला जाएगा। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, सप्लीमेंट्री का एंगल का सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों का जो सम होना चाहिए तो एंगल्स का वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज पैरेलल लाइन, तो उसकी डेफिनेशन होती है पैरेलल लाइंस, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ दे आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट, अगर कोई दो लाइन हमेशा ही सेम दूरी पर है एक दूसरे से तो उनको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। मैं यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे कि एक ये लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो दो लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम है, जैसे कि ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे भी मान लीजिए आपकी 3 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, तो यहाँ पे भी 3 मीटर होगा, आगे जाकर भी वो डिस्टेंस जो होगा वो 3 मीटर ही होगा, ठीक है। हर समय उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा और वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। वो दोनों लाइन जो होनी चाहिए वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ आपको कि बोथ लाइन्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, ठीक है। वो दोनों लाइन सेम प्लेन में होने चाहिए और उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा ही सेम रहना चाहिए हर पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसी जो दो लाइंस होती है उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, और जरूरी नहीं कि लाइंस दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये आपके पैरेलल लाइंस। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पैरेलल रेस, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल रेस क्या होती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेलल रेस किसको कहते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। Two rays lying on parallel lines and pointing in same direction, ठीक है, in same direction are called parallel rays। तो ऐसी दो रेस जो दो और लाइंस के ऊपर लाई कर रही हो पैरेलल लाइंस के ऊपर और एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो उसको हम पैरेलल रेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम पैरेलल रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो दो पैरेलल लाइंस हम पहले ड्रॉ करते, तो हमने पीछे वीडियो में देखी थी कि वो कैसी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो लाइन शो कर रहा हूँ, ये जो दो लाइन्स है वो बेसिकली पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। इसमें अब मैं रेस आपको पता है एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर ख़त्म होती है, तो कोई जो रे हो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैं उसको रो को रे को ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो के कुछ इस तरह से ये एक रे है, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो बेसिकली मेरी यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर भी मैं एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, तो आप देख सकते हैं ये जो दो रेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों जो रेज है वो अपनी पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज क्यों, क्योंकि वो दोनों दो पैरेलल लाइंस पर लाई कर रही है, ये L1 जैसा मान लो, ये L2 मान लो, ठीक है। ये इसके अंदर आप R1 मान लो और A1 और ये आप मान लो R2, तो आप देख सकते हैं दोनों जो है पैरेलल लाइंस पर लाई कर रही है जो डेफिनेशन के हिसाब से, और दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ये भी इस तरफ पॉइंट कर रही है और ये भी इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो ऐसी जो रेज होती है उसको हम पैरेलल रेज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल सेगमेंट्स क्या होते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पैरेलल सेगमेंट्स की डेफिनेशन। टू सेगमेंट्स लाइंग ऑन टू पैरेलल लाइंस, आर कॉल्ड पैरेलल सेगमेंट्स। ठीक है, तो किसी दो पैरेलल लाइन पे दो सेगमेंट्स होते हैं, कहीं पे भी हो तो उन दो सेगमेंट को पैरेलल सेगमेंट बोलेंगे। सेम एज पैरेलल रेज और पैरेलल लाइंस जैसा ही है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे मैं आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक पैरेलल एक लाइन हुई और ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल है। ठीक है, तो इन दो लाइन पे कोई भी दो सेगमेंट आप बना दो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बना रहा हूँ, सेगमेंट ये, जैसे कि एक सेगमेंट ये है और दूसरा सेगमेंट आप देख सकते हो कलर में दूसरा दिया है, ये दो सेगमेंट है। ठीक है, इसको आप नाम दे दो, ये जो वाला जो सेगमेंट है इसको S1 बोलो और ये वाला जो सेगमेंट है इसको S2 बोलो। आप देख सकते हो ना S1 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है और S2 जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो दो लाइन्स है ये अपनी है L1 और L2। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, पहले क्योंकि उसका जो ये हर जगह इक्वी डिस्टेंस है पूरे प्लेन में, तो वो लाइन्स पैरेलल लाइन्स हुए। फिर हम बोले S1 एंड S2 लाइंस ऑन देम, दोनों एक एक पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से देयरफॉर दे आर पैरेलल सेगमेंट्स। तो ऐसे दो सेगमेंट्स जो कि किसी पैरेलल लाइंस पे लाई करते हो तो उन दो सेगमेंट्स को हम पैरेलल सेगमेंट कहेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पैरेलल सेगमेंट। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो रिमार्क ये है कि इट शुड बी नोटेड दैट इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल देन दे इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो वो पक्का इंटरसेक्ट करेगी। तो दस यहाँ से इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन बोलता है टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दो लाइंस किसी प्लेन में या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारी दूसरी लाइन है और ये हमेशा ही इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये जैसे आप मान लो कि 2 मीटर है। ठीक है, तो हर जगह पर ये 2 मीटर रहेगा, आगे भी जाके 2 मीटर रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन ही पैरेलल लाइन की ये है कि ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L1 और L2, L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, therefore distance between them is constant, therefore मैं यहाँ पर लिखूंगा it can never be zero। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कॉमन है, हमेशा ही 2 मीटर होगा, तो कभी ये डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन किसी और तरह की आप दो लाइन ले लो, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, वो दिख ही रहा है आपको L1 और L2। आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इसका कुछ 5 मीटर है, तो आगे जाके आप देख सकते हो ये 3 मीटर हुआ। ठीक है, आगे जाके ये फिर 1 मीटर हुआ, तो ये कहीं ना कहीं 0 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बल्ड कम होते जा रहे हैं और ये कुछ लिमिट तक कम होगा
और फिर आगे जाके बढ़ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो अगर इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल देन डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। आगे जाके कहीं ना कहीं ये दो लाइन मिलेंगी, L1 और L2 आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। तो आइधर जो दो लाइन है वो पैरेलल होगी या नहीं होगी, क्योंकि या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती और एक ही प्लेन में तो वो पैरेलल लाइन है, और अगर ये इंटरसेक्ट करती है और एक ही प्लेन में तो वो पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो आप इससे भी बता सकते हो कि कोई लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, उससे आपको पता चलेगा ये लाइंस पैरेलल है या। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रांसवर्सल क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली बता दूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कुछ लाइन चाहिए, ठीक है, और एक लाइन जो है वो इन सभी लाइन को काट रही है, ठीक है। कोई एक लाइन जो है वो इस L1, L2 और L3 को काट रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, और ये हमारी जो लाइन L4 है बेसिकली वो इसको काट रही है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि L4 इस कॉल ट्रांसवर्सल। तब एक बार ये जो फिगर है वो दिमाग में घुसा दे, इस तरह से तीन लाइन एक प्लेन में है और कोई एक चौथी लाइन इनको काट रही है, तो ये जो L4 है बेसिकली वो हमारा ट्रांसवर्सल है। अब मैं डेफिनेशन पढ़ के इसका मीनिंग समझाता हूँ। डेफिनेशन ये बोलती है अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन लाइन है L1 L2 और L3, ठीक है। तो अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होनी चाहिए तीनों लाइन, एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल टू दिस गिवन लाइंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L4 इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू गिवन लाइन, यानी कि टू L1 L2 और L3, ठीक है। तो L1 L2 L3 का ये जो L4 है बेसिकली वो ट्रांसवर्सल है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ट्रांसवर्सल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बेसिकली तो बस आप ये फिगर ध्यान में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू गिवन लाइन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस, और उसमें सब टॉपिक हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल बना देता हूँ उसका। तो ये मेरी दो लाइंस रही, ये एक लाइन है जैसे मान लो आप, और ये दूसरी लाइन है, और यहाँ पर मैं उसका ट्रांसवर्सल भी बना देता हूँ। तो ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब नाम दे देते हैं इसको, मैं नाम अब हमेशा ही दे दो, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, तो मेरा जो ट्रांसवर्सल है उसको मैं नाम दे देता हूँ L3। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस एंगल बनाएंगे तो 8 एंगल टोटल बनेंगे, ठीक है। और मैं इसको मार्क कर देता हूँ 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4, यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8, ठीक है। तो टोटल 8 एंगल्स आर मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और ऐसे आपको बहुत आगे देखने को मिलेंगे। तो ये 8 एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल से। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, मैं आपको बोलूँगा कि इस डायग्राम से आप बस याद रख लो, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, वो जो है इंटीरियर एंगल्स। मैं आपके जैसे आपको कुछ नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को, इनको आप नाम दे दो जैसे पॉइंट A, और इनको नाम दे दो आप पॉइंट
बी ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी कि एंगल्स एंगल्स हुज वन इज सेगमेंट ए बी आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स तो ये पहले आपको ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपको ये डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि एक जो है ये इन दो लाइन के बाहर का एरिया है, तो ये ए बी जो आपका सेगमेंट है ये ए बी उसके बाहर का एरिया है ये वाला पूरा, और एक जो एरिया है ये इसके अंदर का एरिया है। ठीक है, तो ये जो अंदर का एरिया है उसमें जो एंगल्स है ये 3 4 ये आपका 3 4 5 और 6, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है, और इनके बाहर के जो एंगल्स है वो एक्सटीरियर एंगल। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वो एंगल्स इसका ए बी जो एक आर्म का सेगमेंट हो। ठीक है, एंगल 5 का भी एक सेगमेंट है ए बी, एंगल 6 का भी एक सेगमेंट है ए बी, एंगल 3 का भी एक सेगमेंट है और एंगल 4 का भी एक सेगमेंट है, तो ऐसे एंगल को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंटीरियर एंगल्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। मिलते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो लाइन्स और एक ट्रांसवर्सल बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लाइन रही, ये मेरी दूसरी लाइन, और ये मेरा रहा यहाँ पे ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि 8 एंगल बनते हैं, हमने नाम दिए थे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स को मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ पी और क्यू। ठीक है, ये दो जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो मेरा पी और क्यू है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन से होंगे, क्योंकि इंटीरियर नहीं है वो सारे एक्सटीरियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपके बेसिकली होंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, ये जो 4 एंगल है वो आपके बेसिकली एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इनकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन ये बोलती है कि द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट टच द लाइन सेगमेंट PQ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लाइन सेगमेंट PQ कौन सा है। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है बेसिकली वो आपका लाइन सेगमेंट PQ है। ठीक है, तो वैसे एंगल्स जो ये लाइन सेगमेंट इंक्लूड नहीं करते वो एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे जैसे एंगल 1 है, ठीक है, तो आप देख सकते हो उनके जो सेगमेंट्स है वो आपके ये और ये, इसमें PQ नहीं आता। एंगल 2 में भी PQ नहीं आता, एंगल 7 में भी PQ नहीं आता, और एंगल 8 में भी नहीं आता, ये क्योंकि इसके आर्म्स में ये सेगमेंट PQ नहीं आता। लेकिन आप 3 4 5 6 देखो तो उसका एक आर्म तो डेफिनेटली PQ होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँगा द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट PQ आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हो ऐसे हमारे पास 4 एंगल्स है, 1 2, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1 2 7 और 8। तो बेसिकली आपको याद ही होना चाहिए, आपको ये डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ काम नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेगमेंट के अंदर की तरफ आपको दिख रही है 4, वो आपके इंटीरियर है। ये जो 4 आपको दिख रहा है 3 4 5 6 ये इंटीरियर है, और बाकी के 4 एक्सटीरियर है। ठीक है, बाकी के जो 4 है वो एक्सटीरियर है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे मैं पहले कुछ एंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्यू पेट है, ये पॉइंट नाम है क्यू।